आई एम बालमुकुंद पंड्या, होप ऑल आर वेल। एंड नाउ आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ जो टॉपिक आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, दैट इज़ माई गारंटी। सो एक टॉपिक का नाम है कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन द अपार्टमेंट। आपको लगेगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, क्यों करते हैं और उससे क्या फ़ायदा है। ये पूरी डिटेल में ये वीडियो मैं आपको कवर करूंगा। मे बी पॉसिबल कि ये वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, तो मे बी दो या तीन पार्ट में कवर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद यू विल बी वेरी क्लियर दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है और अपार्टमेंट में क्यों करना चाहिए और उसके पीछे कई चैलेंजेस भी आते हैं, दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस। सो स्टिल इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब इट, लाइक इट, शेयर कीजिए, क्योंकि ये अपार्टमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। रूटीन हम ऑपरेटिंग कॉस्ट जो करते हैं, जो मेंटेनेंस कॉस्ट बोलते हैं, इसके अलावा कुछ ऐसे खर्चे आते हैं कि जो खर्चे वन टाइम एक्सपेंडिचर करना होता है। पहले मैं आपको फुल फॉर्म करूँगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, कि जिसको वन टाइम खर्चा करने के लिए बोलते हैं उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। वन टाइम में सपोज कोई चीज़ नया लगाते हैं या तो कोई चीज़ रिनोवेट ऐसी करते हैं कि जिसकी वजह से बिल्डिंग की लाइफ इम्प्रूव हो, या तो बिल्डिंग जो है उसकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो बढ़े, आपकी गुडविल बढ़े, आपका लुकआउट बढ़े, इसके लिए जो वन टाइम कॉस्ट करते हैं उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट और ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट, आप जो मंथली खर्चा करते हो जो मेंटेनेंस करने के लिए, वो दोनों में काफ़ी फ़र्क है। जो खर्चा रिकरिंग खर्चा है, मंथली आपको उसको देना ही पड़ता है, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको वन टाइम करना पड़ता है, या तो कुछ सालों के बाद वो कुछ रिपीट होता है क्योंकि रिनोवेशन है, वो टेक्नोलॉजी चेंजेस है। तो नाउ हमने ये चीज़ कर दिया कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द अपार्टमेंट क्या है, उसका क्या फ़ायदा है, आपके अपार्टमेंट की लाइफ तो बढ़ती है, प्लस उसके साथ आपकी जो रिसेल वैल्यू, अगर आप रेंट पे देना चाहते हो या तो आप उसको मीन्स किसी को बेचना चाहते हो, तो रिसेल वैल्यू भी अच्छी मिलती है। अगर बिल्डिंग की कंडीशन अच्छी होगी तो रिसेल वैल्यू आपकी अच्छी मिल सकती है। नाउ कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्यों करना पड़ता है, क्योंकि उसके बेनिफिट्स हैं। अभी हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से कैपिटल इन्वेस्टमेंट कुछ सालों के बाद, और कई बार तो नए फ्लैट में कुछ दो या तीन साल के बाद ही आते हैं, या तो आपका जो अपार्टमेंट थोड़ा 10 साल पुराना हो जाता है तो ये खर्चे आना चालू हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपकी जो खर्चा मैं अभी बताऊंगा वो कुछ सालों के बाद, 10 साल के बाद या 12 साल के बाद या 15 सालों के बाद, डिपेंड्स अपॉन आपने कैसे मेंटेन किया है अपार्टमेंट को, उस हिसाब से आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल खर्चा आता है आपका ड्रेनेज लाइन या तो प्लम्बिंग लाइन, जो कॉमन एरिया की है मैं बात करूँगा, उसको पूरी चेंज करना है। आप अगर मंथली 2-4 पाइप बदल दिए तो वो आपकी कॉमन मेंटेनेंस में ओपेक्स में आएगा, लेकिन इफ़ यू डिसाइड कि ना अभी पूरे अपार्टमेंट की मुझे ड्रेनेज लाइन चेंज करनी ही है या तो प्लम्बिंग लाइन चेंज करनी है, दैट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। सपोज आप बोरवेल या तो सबमर्सिबल पम्प, या तो आप जो पम्प पूरा रिप्लेस करना चाहते हो, नया लगाना चाहते हो क्योंकि पुराना हो चुका है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, वो पूरे एफिशिएंसी से काम नहीं कर रहा है, तो आप जो नया लाओगे वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट रहेगी। सपोज आप बिल्डिंग कलर करना चाहते हो, तो होल बिल्डिंग का कलर हो गया, कलर से लुकआउट बढ़ गया, अच्छी दिखने लगेगी, लाइफ बढ़ेगी, क्योंकि कलर के साथ आप थोड़ा टचिंग भी करवाओगे सिविल, तो दैट इज़ ऑल्सो अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कलर करना काम। उसके बाद क्या है कि छोटे मोटे इलेक्ट्रिकल वर्क करते हो, वो तो कॉमन रूटीन मेंटेनेंस में आ जाता है, ओपेक्स में। बट अगर इफ़ यू डिसाइड कि मैं पूरा वायरिंग चेंज कर दूंगा, क्योंकि कई जगह पे शॉर्ट सर्किट हो चुकी है, या तो कई एसेसरी बहुत ही पुरानी हो चुकी है, काम नहीं करते, कोई जगह पे हमने बाईपास करके रखा हुआ है, तो पूरा इलेक्ट्रिकल वायरिंग हम नया चेंज करें, उसकी एसेसरी चेंज कर दें, साथों साथ पहले जो ट्यूब लाइट्स और जो थी उसकी जगह पे LED लाइटिंग कर दें, और चाहे आप सोलर सिस्टम लगा के उसको इम्प्रूव करना चाहते हो, तो ये सारा खर्चा है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, राइट? ओके,
नाउ इफ़ यू सीसीटीवी कैमरा लगे हुए लेकिन सीसीटीवी कैमरा आप और एड ऑन करना चाहते हो, कुछ एरिया ऐसे कवर करना चाहते हो, सीसीटीवी कैमरा जो उसकी जो आपकी पुरानी सिस्टम हो चुकी है पूरा रिप्लेस करना चाहते हो, तो दैट इज़ अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। उसके बाद सपोज कि आपका बिल्डिंग में सिविल वर्क है, वो सिविल वर्क वेराइटीज ऑफ सिविल वर्क है, सपोज आपकी जो मेन बाल जो कॉरिडोर है बाल मीन्स उसको पूरा बदलना चाहते हैं, सपोज आपकी गेट खराब हो चुके हैं उसको रिप्लेस मीन्स रिनोवेशन करना चाहते हो, आपके जो पार्किंग कॉमन एरिया है उसका कुछ रिनोवेशन करना चाहते हो, नीचे फ्लोरिंग है उसकी टाइल्स या तो कुछ आपने पत्थर डाले हैं वो चेंज करना चाहते हो, कोई भी चीज़ सिविल रिलेटेड एक्टिविटी है जो कॉमन एरिया की है उसका वन टाइम कॉस्ट करते हो, छोटा मोटा काम नहीं वन टाइम बड़ा अमाउंट आप करना चाहते हो जिसमें सब सहसम्मति से करना चाहते हो, वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, वो सिविल रिलेटेड एक्टिविटी आएगी। पहले हमने वायरिंग की बताई, वो इलेक्ट्रिकल की आ गई, और अभी फैसिलिटी की बात करते हैं। सपोज आप नया अभी सॉफ्टवेयर आ चुका है, माई गेट है और अदर बहुत सारे मीन्स लोकल सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, अगर वो फैसिलिटी के लिए आप वन टाइम लगाना चाहते हो जिससे आप बाकी कुछ सारी फैसिलिटी कर सकते हो, तो उसको भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। आपके यहाँ काफ़ी एमिनिटीज़ है, क्लब हाउस है, स्विमिंग पूल है, फिर आपका जिम खाना है, ये सब चीज़ में आपका 10 साल 12 साल पुराना हो गया है, टूट गया है कुछ, पूरा रिनोवेशन करना चाहते हो जिसका कॉस्ट मीन्स डिपेंड्स अपॉन द एरिया 50,000 लाख रुपीज़, दैट इज़ ऑल्सो कैपिटल लेना चाहते हो। जिम में सपोज नया इक्विपमेंट लाना चाहते हो, तो ये सारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। तो आपको अंदाजा आ गया कि अपार्टमेंट के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है और इसमें से कैसे उसको खर्चा करना है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ दूसरा पार्ट जरूर से देखिए, क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हो उसके लिए कलेक्शन कैसे करना करेंगे हम, और उसके साथ मींस प्रोसेसेस क्या रहेगी, वो डिटेल में हम सेकंड पार्ट में बताएंगे। तो स्टिल आपने कोई सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको वीडियो पसंद आया तो कुछ कॉमेंट कीजिए, आपको कोई हेल्प की ज़रूरत तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट कीजिए, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सपोर्ट यू। थैंक यू वेरी मच।